हेलो बच्चों वेलकम टू ए डिस्कशन सीरीज आज के वीडियो में हम लोग दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर सो द प्रॉब्लम नंबर फोर्टीन इज थर्टी सिक्स मोल्स ऑफ अमोनिया गैस इज पास्ड थ्रू टू लीटर सॉल्यूशन व्हिच इज कंटेनिंग जर्ड एन टू प्लस एंड सी यू टू प्लस बोथ आर एट वन मोलर कंसेंट्रेशन इनिशियली You have to calculate the reduction potential of zinc and reduction potential of copper. And standard reduction potential of zinc and standard reduction potential of copper are given. Also, the formation constant for the complex of copper with ammonia and the complex of zinc with ammonia are given. This is 10 to the power 12, this is 10 to the power 9. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं और इस क्वेश्चन में भी हमें हिंट दिया हुआ है कि जब हम लोग अमोनिया गैस इस सॉल्यूशन से पास करेंगे तो दैट अमोनिया विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद Zn2+ एंड टू प्लस एंड सी यू टू प्लस बोथ और फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट भी हमें दिया हुआ है तो नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम देखें फॉर जिंक सो द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द जिंक विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिंक माइनस पॉइंट जीरो फाइव नाइन को मैं जीरो सिक्स ले लेता हूँ अप ऑन एन और जब जिंक का रिडक्शन की बात हम लोग करते हैं तो एन की वैल्यू टू लेते हैं लॉग बेस टेन वन अपन कंसनट्रेशन ऑफ जैड एंड टू प्लस फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक

उसी से हमें पता चलेगा कि जेड एन टू प्लस और सी यू टू प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है सो so, जैसा कि हमें दिया हुआ है कि सो so, जो हमने पास की है दर्टी सिक्स बाई टू दिन मोलर अब जो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ जेड एंड टू प्लस एंड सी यू टू प्लस इनिशियली एट कंसंट्रेशन वन मोलर लेट से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट दिस इज इक्वेशन सेकेंड इन्हीं इक्वेशन से हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे नाउ जेड एंड टू प्लस इन इट्स एक्वर सोल्यूशन विल फॉर्म ए कॉम्पलेक्स विद अमोनिया गैस एंड दट कॉम्प्लेक्स इज जेड एंड एन एच थ्री फोर टू प्लस

सो फॉर दिस वी कैन से 18 माइनस फोर एक्स कंसेंट्रेशन अमोनिया की कंज्यूम हो जाएगी और x कंसेंट्रेशन इस कॉम्प्लेक्स की बनेगी अब मुझे इस फॉर्मेशन कांस्टेंट के एफ को यूज़ करके जेड एंड टू प्लस की कंसेंट्रेशन पता करनी है इक्विलिब्रियम पर क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जेड एंड टू प्लस की कंसेंट्रेशन काफ़ी कम आने वाली है तो The concentration of Zn²⁺ plus will be concentration of ZnNH₃ fold 2⁺ plus upon formation constant into the concentration of ammonia to the power 4. ये formation constant के expression से मैं लिख सकता हूँ. Now, अब यहाँ समझने वाली चीज़ है approximation में क्योंकि formation constant बहुत ज़्यादा है. इसका मतलब आपका Zn2+ nearly कम्पलीटली कंज्यूम हो गया होगा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा इसका मतलब x की वैल्यू नियरली वन के इक्वल है क्योंकि लगभग लग लग पूरा ख़त्म हो गया होगा सो आई कैन नियरली राइट द वैल्यू ऑफ x टू वन दैट इज़ कंसनट्रेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज वन मोलर एंड द फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट इज टेन टू द पावर नाइन एंड द कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया वो हम क्या लेंगे उसके लिए हमें इसके साथ एक और इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा दैट इज कॉपर टू प्लस वाला क्योंकि सॉल्यूशन में दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं तो कॉपर भी उस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और वो कॉम्प्लेक्स है सी थ्री फोर टू प्लस इसका के हमें दिया है टेन टू दावर ट्वेल्व यहां भी कॉपर टू प्लस की इनिशियल कंसेंट्रेशन भी वन मोलर है That is 18 molar at equilibrium. Let's say this is 1 minus y molar. This will be 18 minus 4y molar. This will be y molar. Because two equilibria are existing simultaneously. So the we are applying the concept of simultaneous equilibrium. So obviously the concentration of ammonia will be 18 minus 4y minus 4x. Or Yahabi 18 minus 4x minus 4y. बाकी इन दोनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है अमोनिया कॉमन है तो मैंने अमोनिया की कंसनट्रेशन को साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम से लिख दिया ऑब्वियसली इसका फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बहुत बड़ा है तो यहाँ भी कॉपर टू प्लस नियरली ख़त्म हो गया होगा इसका मतलब यहाँ भी वाई की वैल्यू नियरली वन ही होगी सो कॉपर टू प्लस की कंसनट्रेशन होगी कंसनट्रेशन ऑफ सी यू एन एस थ्री फोर टू प्लस अपॉन के एफ इंटू कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर फोर ये होगा अब कॉपर टू प्लस की कंसेंट्रेशन मुझे निकालनी है यहाँ भी जैसा कि के एफ बहुत ज्यादा है तो वाई की वैल्यू नियरली वन पुट करूँगा मैं दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ दिस के एफ इज़ टेन टू द पावर ट्वेल्व अब क्योंकि एक्स की वैल्यू भी नीयरली वन है और वाई की वैल्यू भी नीयरली वन है तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि अमोनिया की कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम विल बी 18 माइनस फोर माइनस फोर दैट इज 10 मोलर सो देशन ऑफ अमोनिया इज 10 मोलर सो दंसनट्रेशन ऑफ जैड एंड टू प्लस एट इक्विलिब्रियम इज कमिंग आउट टू बी 10 टू पावर माइनस थर्टीन मोलर यहां भी कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया टेन मोलर दैट इज कमिंग आउट टू बी टेन टू दॉर माइनस सिक्सटीन मोलर अब क्योंकि मेरे पास जेड एन और सी यू की कंसनट्रेशन आ चुकी हैं इक्विलिब्रियम पर मैं इन दोनों कंसनट्रेशन को इक्वेशन वन और टू में पुट करूंगा रेस्पेक्टिवली तो इक्वेशन वन में जब मैं पुट करूंगा जेड एन की कंसनट्रेशन E0 नॉट जेड का दिया हुआ है माइनस पॉइंट सेवन सिक्स माइनस पॉइंट जीरो सिक्स अपॉन n की वैल्यू टू है log base टेन वन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ जेड जो आ रही है दैट इज टेन टू द पावर माइनस सो दिस इज माइनस पॉइंट सेवन सिक्स माइनस पॉइंट जीरो सिक्स बाई टू और ये थर्टीन ऊपर जाएगा बाहर आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस वन पॉइंट वन फाइव वोल्ट सिमिलरली इक्वेशन टू में अगर हम लोग कॉपर टू प्लस की कंसेंट्रेशन पुट करें तो ई फॉर कॉपर टू प्लस टू कॉपर इज माइनस सॉरी प्लस पॉइंट थ्री फोर गिविन है क्वेश्चन में माइनस पॉइंट जीरो सिक्स बाई टू लॉग बेसड एन वन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी यू टू प्लस इज टेन टू दी पावर माइनस सिक्सटीन सो फिर से माइनस सिक्सटीन ऊपर जाएगा सिक्सटीन सिक्सटीन आगे आएगा एंड इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट दिस इज माइनस जीरो पॉइंट वन फोर वोल्ट सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में यही हमसे पूछा था इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर ही दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारी प्रॉब्लम नंबर फिफ्टीन है इसमें आपको दिया गया है कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है एम एक्स इज डिजोल्व इन वाटर टू प्रिपेयर वन लीटर सैचुरेटेड सोल्यूशन याद रखिए इस बात को नाउ टेन टू दावर माइनस सिक्स मोलर एन एक्स डाला गया हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन है इस सोल्यूशन में डाला गया तो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है दैट इज गिविन के एस पी अगर ये है तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछा है और हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज दे रखी हैं एक्स माइनस एन ए प्लस और एम प्लस की अब देखिए क्योंकि सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें दे रखी है और सॉल्यूशन में एम एक्स भी है और एन ए एक्स भी है सॉल्यूशन में एम एक्स भी है और एनए एक्स भी है इसका मतलब सॉल्यूशन में जो एम एक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल दैट एम एक्स इज एग्जिस्टिंग विद एम प्लस एंड एक्स माइनस इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है और इक्विलिब्रियम पर अगर मैं इसकी कंसेंट्रेशन x मान लेता हूं तो ऑब्वियसली इसकी कंसेंट्रेशन भी इस इक्विलिब्रियम में x मोलर होगी बट क्योंकि इसी सॉल्यूशन में हमने एनए डाला है और उसने बोला है कि एनए एक्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है हंड्रेड परसेंट डिसोसिएट हो रहा है अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो तो सिंस देर इज हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन सो एट इक्विलिब्रियम वी आर गेटिंग

मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी विच इज डिनोटेड बाई कपा बाई कंसेंट्रेशन सी इंटू टेन टू दावर थ्री अगर यूनिट साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है तो और इसमें यहां कप्पा की यूनिट भी साइमन मीटर इन्वर्स होनी चाहिए बट क्वेश्चन में मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है उसका रीजन क्या है उसका रीजन ये है अगर किसी भी सोल्ट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन है सेचूरेटेड सॉल्यूशन है इसका मतलब मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट इज प्रजेंट इट मींस कि उस पॉइंट पर जो उस सॉल्ट की लिमिट मोलर कंडक्टिविटी होगी दैट विल बी मैक्सिमम और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन तो अगर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है इसका मतलब लेम्डा विल बिकम्स लेमडा नॉट मतलब मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड क्योंकि एन एक्स की बहुत कम कंसंट्रेशन हमने डाली है इतनी कम कंसंट्रेशन इतने ज़्यादा लीटर के सॉल्यूशन में हमने डाली है यानी कि एन एक्स के सॉल्यूशन में भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन है तो दोनों सॉल्यूशनस के, के लिए फॉर बोथ दॉल्यूशन आई कैन राइट इट एज लेमडा नॉट सो नाओ दी कंडक्टिविटी फॉर दॉल्यूशन सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है दैट इज़ ट्वेंटी नाइन इंटू टेन टू दी पावर माइनस सिक्स साइमन मीटर इनवर्स ये कंडक्टिविटी किस की वजह से होगी ऑब्वियसली ये कंडक्टिविटी एम प्लस की वजह से होगी एक्स माइनस की वजह से होगी और एन ए प्लस की वजह से होगी इक्वेशन से मैं कंडक्टिविटी रखूंगा इसकी सॉल्यूशन की ये अब इस एक्सप्रेशन से अगर मुझे एम प्लस की कंडक्टिविटी निकालनी है तो दैट विल बी लेमडा नॉट ऑफ एम प्लस विच इज सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री इंटू द कंसेंट्रेशन ऑफ एम प्लस इज एक्स जो हमने यहाँ ली है एम प्लस की कंसनट्रेशन एक्स इंटू टेन टू द पावर थ्री प्लस Conductivity of X minus again using this equation, to so, lambda m lambda naught of X minus is 4 into 10 to the power minus 3, and the concentration of X minus is X plus 10 to the power minus 6 into 10 to the power 3 plus concentration uh, conductivity of Na plus again using same equation, so lambda naught of Na plus is. फ़ाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस थ्री सी फॉर एन ए प्लस इज टेन टू द पावर माइनस सिक्स इंटू टेन टू द पार थ्री सो ये तो टैन टू दावर थ्री तो सारा कैंसिल हो चुका है एल एच एस में मेरे पास है ट्वेंटी नाइन इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स दिस इज सिक्स एक्स प्लस फोर एक्स टेन एक्स प्लस फोर इंटू टैन टू दावर माइनस सिक्स प्लस फाइव इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स पावर माइनस सिक्स जो कि एल एच एस में जाएगा तो टेन एक्स विल बी कमिंग आउट टू बी ट्वेंटी इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स टू दावर माइनस सिक्स दैट मीन्स अगर एक्स की वैल्यू आ गई तो इसको हम पुट इन फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन थी के एस पी इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस टेन टू दावर माइनस सिक्स आप देख सकते हैं दिस वॉज द फर्स्ट इक्वेशन सो दिस इज कमिंग आउट टू बी थ्री इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेल्व दिस इज द के एस पी ऑफ सॉल्ट एम एक्स जिसको मुझे ए इंटू टेन टू दावर माइनस बी से कंपेयर करना है सो बाई कंपेयरिंग आई कैन इजीली गेट ए इज सिक्स एंड बी इज ट्वेल्व सो दैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन Thank you.